हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फारूक। इस व्लॉग से पहले आपने देखा था कि मैं दावा हॉस्पिटल गया था अपने दांत दिखवाने, और अभी फाइनली मैंने दांत दिखवा लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर वाले साइड दांत है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे, प्राइवेट में होंगे। और जो मैंने एक न्यू दांत डलवाए थे ना, तो लास्ट में जो उन्होंने एक केप डाली थी उसमें थोड़ा दर्द था, तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्सरा कराया, वो भी फिलहाल कोई मसला नहीं निकला दांत का, शुक्र है। अभी मैं जा रहा हूँ घर। और ब्लॉग से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं ये बाइक सेल करूँ, और वही मैं अभी सोच रहा हूँ, कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। लेकिन तब तक तो बाइक सेल अगर करनी हो तो कर भी लूँगा, तब तक तो ये जब तक वीडियो में अपलोड करूँगा। बस मैं सोच रहा हूँ दे दूँ 6000 बाइक को, बाइक फिर अगर आपकी सपोर्ट मिली तो नई बाइक ले लेंगे। फिलहाल तक तो एक रुपया भी नहीं आया यूट्यूब से, क्योंकि इतने व्यूज़ नहीं है मेरे। मैं अभी सोच रहा हूँ बाइक बेचूँ नहीं बेचूँ, कंफ्यूज हूँ, सोचता हूँ मैं। अब देखते हैं कि मैं संडे को निकलता हूँ या मंडे को। बहरहाल आपने हैदराबाद से कराची वाला व्लॉग जरूर एंजॉय किया होगा आपने। ये भी हम पहुंचे हैं मौसमियात। यहाँ से फिर आगे करेंगे यू टर्न। सैटरडे आज, आज 30 नवंबर 2023 है। अभी हम गाइस दुबई हाउस की साइड पहुंचे हैं, और उसके बाद राइट साइड पे ये आएगा हमारा, जहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं बिटाइयाबाद। और जब से कलर प्लेट चेंज करवाई है मैंने, बाइक माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है। देखते हैं रात को क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि बाइक कभी दिल कर रहा है सेल करूं, कभी दिल कर रहा है नहीं सेल करूं। क्योंकि काफ़ी टाइम से बाइक को, मतलब टाइम भी हो गया है, 3 साल होने वाले हैं बाइक को भी, तो और मेंटेन भी काफ़ी की है मैंने बाइक को, एक बंदे को दिल लग जाती है। तो देखेंगे रात को भी क्या प्रोग्राम बनता है। और अभी मैं घर जाके वीडियो अपलोड करूंगा। हाँ, आगे से है ना, सॉरी, हाँ आगे से करिए, जो भी करनी है। 101 Part 1 हैदराबाद टू कराची, 30 नवंबर 2023 है। तो आई होप आप लोगों ने आज का भी व्लॉग मुख्तसर इंजॉय किया होगा। लेकिन हर दफे की तरह यही रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखते हैं, सोचते हैं फिर ये इंशाल्लाह रात को जब हम निकलेंगे कसन के रात, तो फिर मैं कंफर्म बात तब तक सोच लूँगा कि बाइक सेल करूँ नहीं करूँ। 80% तो प्रोग्राम बना दिया है कि सेल कर दूँ कसन को, अब देखते हैं।
उनका पेमेंट तो अभी कजन्स के पास भी नहीं है, वो भी पेमेंट देगा तकरीबन 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। और मेरे पास भी पैसे नहीं है कि मैं पैसे डाल के दूसरी बाइक लूँ। देखते हैं, 7 दिन है, सोचिए फिर मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा क्या करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों से कहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा गाइस, बाय बाय गाइस।